नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट कोलियस की केयर के बारे में बात करूंगा कि कैसे इस प्लांट को गर्मियों से बचाया जा सकता है, कैसे इसकी केयर करनी है, कैसे इसे फर्टिलाइज़र देना है और कैसे इसे सनलाइट देनी है। दोस्तों ये प्लांट नर्सरी में आसानी से मिल जाता है और अपनी कलरफुल लीव्स के लिए हम इस प्लांट को परचेस करते हैं। ये प्लांट बहुत ही अलग अलग शेड्स में आता है और अलग अलग पत्तियों में, अलग अलग डिज़ाइन में आता है। ये दोस्तों प्लांट हमारे गार्डन में लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों ये प्लांट जो है ज़्यादा गर्मी को है बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों ये मेरे तीन कोलियस की जो प्लांट, एक ये और एक ये ग्रीनिश, ये तीनों ही प्लांट जो है दोस्तों मेरे सर्दियों के प्लांट हैं। सर्दियों में दोस्तों मैंने अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त से ये कटिंग ली थी और सर्दियों में ग्रो किए थे और अभी भी देखिए दोस्तों जुलाई स्टार्ट हो चुका है, जुलाई में भी इतने अच्छी तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। इस प्लांट की दोस्तों मैंने अपनी ये कटिंग रखी थी अलग, तो ये भी अच्छी ग्रो हो चुकी है। तो दोस्तों चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं भी कैसे इस प्लांट को हरा भरा रखना है, कैसे इस प्लांट को जो है गर्मियों से बचाना है। दोस्तों सबसे पहले तो आप कोई भी प्लांट लेते हैं तो उसकी सॉयल जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होती है किसी भी प्लांट को लगाने के लिए। इस प्लांट को लगाने के लिए दोस्तों आप जब भी सॉयल मिक्सचर लेते हैं तो उसे वेल ड्रेन्ड सॉयल में ही लगाएं, जिसमें दोस्तों 40% मिट्टी, 40% रेत और 20% के करीब आप खाद लें। खाद में दोस्तों आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी हो आप ले सकते हैं। दोस्तों जब आप गोबर की खाद लेते हैं तो गोबर की खाद दोस्तों आप वो लीजिए जो पूरी तरह से डीकम्पोस्ट हो रखी हो, जो एकदम फ्रेश काउडंग होता है दोस्तों वो अपने किसी भी प्लांट में मत यूज़ कीजिए, नहीं तो आपके जो प्लांट्स हैं वो जल जाएंगे। दूसरा दोस्तों इस प्लांट को मिस्टिंग बहुत पसंद है, आप इस प्लांट को दोस्तों डेली मिस्टिंग कीजिए। ये प्लांट दोस्तों मिस्टिंग बहुत पसंद करता है। इस प्लांट को दोस्तों एक नमी भी बहुत पसंद है, लेकिन दोस्तों इस प्लांट को आपने ज़्यादा पानी नहीं देना, ज़्यादा पानी इस प्लांट को दोस्तों पसंद नहीं है। ओवर वाटरिंग से दोस्तों ये प्लांट जो है हमारा ख़राब हो जाता है। मेन रीज़न ही दोस्तों इस प्लांट का होता है ओवर वाटरिंग का, क्योंकि इस प्लांट की जो स्टेम्प है दोस्तों इसमें भी दोस्तों मॉइस्चर होता है। जब हम ज़्यादा पानी देते हैं तो दोस्तों ये पानी ज़्यादा सहन नहीं कर पाता, इसकी रूट्स गल जाती हैं, पत्ते इसके पीले पड़ने लगते हैं। दूसरा दोस्तों बात करते हैं सनलाइट की। दोस्तों इस प्लांट को गर्मियों की तेज धूप में बिल्कुल भी नहीं रखें, नहीं तो ये प्लांट जल जाएगा और इसकी पत्तियां खराब हो जाएंगी। गर्मियों में दोस्तों इस प्लांट को ऐसी जगह रखें जहां पर इसे ब्राइट लाइट मिले या सुबह की 1 घंटे की धूप मिले। वैसे इसे आप किसी ब्राइट लाइट में रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ब्राइट लाइट में रखने से दोस्तों इसकी जो कलरफुल लीव्स हैं, लीव्स के जो कलर हैं वो बने रहेंगे। यदि आप इसे ज़्यादा सनलाइट में रखेंगे या ज़्यादा धूप आती हो तो वहाँ पर इसके जो पत्ते हैं तो दोस्तों ऐसे उनका कलर जो है वो फीका हो जाएगा। अब ये प्लांट जो है दोस्तों ये मेरा थोड़ा धूप में रह गया था, मैं इसको नहीं देख पाया, तो ये देखिए दोस्तों इसकी पत्ती का कलर और इन जो पत्तियां जब आ रही हैं इनका कलर कितना फर्क है दोस्तों। अब मैंने इसे पूरा ही शेडी में एरिया में किया हुआ है जिससे इसका जो लीव्स का पैटर्न है, इसकी लीव्स की जो कलर्स हैं वो दोबारा से आने शुरू हो गए हैं और प्लांट दोबारा से बहुत अच्छा लगने लग गया है। दोस्तों दूसरा इस प्लांट को आप ऐसी जगह रखिए जहां आपके दूसरे प्लांट्स पड़े हुए हैं, यानी प्लांट्स के झुंड में इस प्लांट को रखिए वहाँ, क्योंकि इस प्लांट को ह्यूमिडिटी बहुत पसंद होती है और इस प्लांट को आप मिस्टिंग भी कीजिएगा जिससे प्लांट जो है आपका हेल्दी रहेगा और उसकी पत्तियाँ में जो चमक है वो बनी रहेगी। उसके बाद बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। इस प्लांट को
फर्टिलाइजर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आप महीने में एक बार इसे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट 1 से 1.5 मुट्ठी दे सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, यदि आप देना चाहें तो 15 दिन में एक बार मस्टर्ड के एक फर्टिलाइजर की थोड़ी सी क्वांटिटी भी दे सकते हैं। दूसरा, इस प्लांट को ज़्यादा घना बनाने के लिए हम इस प्लांट को ऊपर का जो पॉइंट है इसको यहाँ से ऐसे पिंच कर देते हैं दोस्तों, जिससे दोस्तों ये प्लांट जो है अपने यहाँ से अपनी नई नई शूट्स निकाल लेगा और ये प्लांट और ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। सर्दियों में इस प्लांट की दोस्तों ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और ये अपनी कलरफुल लीव्स जो है सर्दियों में बहुत अच्छी तरह से रंग निकालता है। प्रोपोगेशन की बात करें दोस्तों, ये प्लांट बड़ी आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। आप इसको किसी भी छोटी सी छोटी कटिंग से अपने प्लांट्स को लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यही सब इन्फॉर्मेशन थी इस प्लांट की। आप इस प्लांट को लगाइए, अपने गार्डन में जगह दीजिए, अपने गार्डन में लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, यही सब इन्फॉर्मेशन थी। होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।